So, hey guys, तुम सभी का स्वागत है पोकेमोन बैटल रिवॉल्यूशन में। तो गाइस मैं आज ये पहली बार एक पोकेमोन बैटल रिवॉल्यूशन गेम ट्राई करने जा रहा हूँ और इसकी कोई भी सीरीज नहीं आएगी, ये बस मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस लिए खेल रहा हूँ। तो मतलब इसके जो एपिसोड्स हैं वो लगातार नहीं आएंगे, बस ये मेरा मन करा खेलने का, तो मैं सोचा कि तुमको भी दिखा देता हूँ कितना बढ़िया गेम है। तो या बस कुछ ही टाइम के लिए गेम खेलूंगा मैं, कोई सीरीज नहीं आएगी इसकी। ओके, तो कोलंबस मोड में जाते हैं हम लोग और कंटिन्यू करते हैं, सॉरी कंटिन्यू नहीं, हम जाते हैं बैक और जस्ट तुम्हारे लिए एक न्यू गेम स्टार्ट कर दो ताकि तुम लोग भी देख पाओ कि ये गेम है कैसे एक्चुअली स्टार्टिंग से। ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग टू फ्लाई विथ पोकेटोपिया ए लाइन टूडे, वी विल बी अराइविंग इन पोकेटोबिया इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो गाइज हम लोग पोकेटोबिया की फ्लाइट में हैं और पोकेटोबिया जा रहे हैं, तो एक प्लेस का नाम है, प्लीज टेक दिस टाइम टू क्रिएट योर ओन प्रोफाइल बिफोर अराइविंग, थैंक यू। तो हम अपनी प्रोफाइल ही बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम ऐश से ही। ए ओके, यहाँ पे गए और ये किया ऐश, एस एंड एच कहाँ गया हमारा, ओके एच ये रहा हमारा एंड या ये रहा एच। एंड तुमको बता दूं कि पोकेमोन, इस पोकेमोन गेम का नाम है पोकेमोन बैटल रिवॉल्यूशन और जिस एमुलेटर के अंदर मैं गेम खेल रहा हूँ उस एमुलेटर का नाम है डॉल्फिन एमुलेटर। और जो ये आइलैंड है ये है पोकेटोपिया आइलैंड, तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम है भाई। तो वैसे निंटेंडो का स्विच का गेम आई गेस, मेरे को कंफर्म नहीं है बट मैं एमुलेटर में खेल सकता हूँ। वेलकम टू पोकेटोपिया, ओके पोकेटोपिया इज अ पोकेमोन बैटल थीम पार्क वेयर मैनी ट्रेनर्स गैदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। माय नेम इज एना, आई एम रिसेप्शनिस्ट हियर एंड आई विल योर पोकेटोपिया गाइड, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बढ़िया, परहैप्स यू हैव सम क्वेश्चंस, मे आई टेल यू अबाउट पोकेटोपिया इन मोर डिटेल, डोंट लिसन, मेरे को भाई पता है मेरे को क्या करना है इसलिए मैं ज़्यादा इसको सुनूंगा नहीं। वेल देन इन कॉमरेशन ऑफ योर फर्स्ट विजिट टू पोकेटोपिया आई विल गिव यू अ बैटल पास, ओके तो गाइस हमको एक बैटल पास देने वाली है, ओके दिस टाइप ऑफ बैटल पास इज कॉल्ड अ रेंटल पास, प्लीज चूज वन ऑफ यू लाइक। तो इस बैटल पास की हेल्प से हमें कुछ पोकेमॉन्स मिलेंगे और पोकेमॉन से हम बैटल कर पाएंगे। तो पहले जो बैटल पास है मतलब कि ये वाला, इसमें हमारे कैंटो के पोकेमॉन है एंड जो दूसरा वाला है इसमें हमारे सीनो के पोकेमॉन है। तो हम एक सीनो का पास लेने वाले हैं क्योंकि तुम देख सकते हो सीनो में काफ़ी अच्छे पोकेमॉन है और मेरे फेवरेट टाइप्स भी हैं। ओके तो हमको मिल चुका है पास, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हियर एट पोकेटोपिया, ठीक है भाई। ओके गाइस तो हम एक काम करते हैं, पास की जगह हम लोग चलते हैं अपने बैटल करने के लिए, पास का सीन जो का देख लूंगा मैं। तो हम करने वाले हैं कोलंबस बैटल, ओके तो कोलंबस बैटल देखते हैं। इन कोलंबस बैटल यू कैन एंटर पोकेमोन बैटलिंग हेल्ड इन द कोलंबस, ओके ऑल ओवर पोकेटोपिया, ओके सो फ्री बैटल में क्या सीन है देखते हैं। इन फ्री बैटल यू कैन बैटल विद द बैटल पासिस यू हैव और डू अ टू प्लेयर, ओके तो हम फ्री बैटल में फ्रेंड्स के साथ बैटल कर सकते हैं। और बैटल ट्यूटोरियल में क्या है, ओके बैटल ट्यूटोरियल में तो वही होगा जो कि बैटल कैसे करते हैं, लेकिन वो तो मेरे को ऑलमोस्ट आता ही है और बिना उसके भी सीख जाएंगे। तो हम चलते हैं कोलंबस बैटल में और देखते हैं किस टाइप के ट्रेनर मिलने वाले हैं। ओके तो यह मेन स्ट्रीट कोलंबस ऑलवेज फुल ऑफ टूरिस्ट, द कोलंबस साइट्स ऑन द मेन स्ट्रीट पोकेटोपिया, ओके तो हम चलते हैं यहाँ पे पहले गेटवे पे। बैटल यूजिंग रेंटल पास यू कैन कीप द पास इफ यू क्लियर द चैलेंज, ओके ठीक है। हम देखते हैं कि लेवल रूल 30 ओपन्स बैटल सिंगल, ओके सिंगल प्लेयर बैटल होने वाली है हमारी और मैं यूज करूंगा अपने रेंटल पास, किसी का बोरो नहीं करने वाले हम लोग और अपन के पास यही पोकेमॉन होने वाले हैं और मैं करूंगा इसी पास को यूज। अब देखते हैं अपने अपोनेंट के पास कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं, ठीक है ओके अपोनेंट के पास अपोनेंट लीडर ट्रेनिंग मार्शियल, ओके भाई कितने औसम कैरेक्टर लग रहा है ना इसमें, सही बताऊं तो भाई मेरे को मजा आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पे मैं चूज करना है पहले पोकेमॉन कौन सा भेजेंगे, तो पहले जाएगा मेरा इन्फनेप, देन जाएगा मेरा गिबाइट एंड देन जाएगा मेरा लक्सियो कंफर्म। बाकी पोकेमॉन को हम बाद में देखेंगे कितना यूज करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें इसके गेम प्ले चाहिए तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जरूर जरूर इसका गेम प्ले तुमको ला के दूंगा। तो गेटवे कोलंबस पे रेंटल पास हम यूज कर रहे हैं, सॉरी अपना कमेंट्री हो रही है, बहुत बढ़िया भाई मुझे पता ही नहीं था इसके इसमें वो भी होती है कमेंट्री भी होती है, मेरे को सही नहीं पता था। ओके तो अगर थोड़ा बहुत ग्राफिक का लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि एमुलेटर में गेम हो रहा है तो
मेरे कोई वो नहीं है इसमें, फिर भी चेक कर लूँगा ग्राफिक वगैरह इसके मैं, कुछ अच्छे होंगे तो। बाय द वे बस मैं ओनली एक ही मैच खेलूँगा, ठीक है? ओके भाई साहब, पहला अटैक भाई, इसमें अटैक क्या मस्त हो रहे हैं भाई, सही बता रहा हूँ तुमको, बिल्कुल रियलिस्टिक अटैक। इन्फिनिव का फायर पंच देख रहे कितना भयंकर है। ओ भाई, ओ भाई, सुपर इफेक्टिव भाई, वन हिट होगा ये। ओके वन हिट होने से बच गया ये। ओके फाइट अगेन एंड अगेन, मैं फायर पंच यूज करूंगा। और भाई फायर पोकेमोन को ग्रास नॉट कैसे अटैक, एक ग्रास टाइप मूव अटैक कैसे आने लग गया उसको भाई, ये तो अजीब बात है भाई सही में। ओके गया काम से भाई, गया काम से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बैटल एंड हो गई। ओके पहला पोकेमोन तो गया काम से, मैस्कुलिन फेंटेड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सेकंड पोकेमोन कौन सा होने वाला है इसका। ओके सो नेक्स्ट पोकेमोन है इसका डस्टॉक्स। ओके फाइट अगेन बग टाइप जैसे, मतलब साइकिक वही है, तो मैं फायर पंच यूज करूंगा इसके लिए। देखते फायर पंच कितना तगड़ा काम करेगा इसके ऊपर, बग साइक पोकेमोन पे। ओ भाई क्या मस्त अमेजिंग पावर है यार इसमें सही में, डस्टॉक की तो ऐसी तैसी हो गई आदि तो। भाई इसमें जो अटैक्स की जो एनिमेशन किया गया ना भाई, भाई साहब ये कितना लाजवाब है। ओके और ये गेम मेरे को तब मिला जब मैं वो मिस्टी की जो टॉम बॉय वाली वीडियो थी ना, तब मैं काम कर रहा था, मेरे को ये वाला गेम मिला, तो मैंने सोचा कि यार एक बार इस गेम को खेलना चाहिए। और जब मैंने गेम के बारे में जाना पहचाना भाई साहब, मैं इस गेम का थोड़ा बहुत फैन हो गया, जिस हिसाब से इसके ग्राफिक्स है ना भाई, और काफ़ी अच्छे लगे मेरे को भाई, रियलिस्टिक बैटल। अगर ऐसे कोई जीबी में गेम्स में फाइट होती ना भाई, तो और मजा आ जाता, सही बता रहा तुमको मैं। और तुम लोग बताना ओपिनियन अपने कि तुम्हें कैसा गेम लग रहा है ये वाला, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ऑसम गेम लग रहा है ये वाला, सही बताओ तो। ओके तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि पोकेमोन को स्विच कर लेता हूँ, और मैं लेके आता हूँ अपने गिबाइट को, क्योंकि और पोकेमोन भी यूज़ करने चाहिए भाई, जब इस पोकेमोन में इतने अच्छे मूव है, एनिमेशन है, पोकेमोन के कितने अच्छे ग्राफिक है, तो फिर खेलना बनता है भाई सही में। अपना कैरेक्टर भी हो कितना बढ़िया लग रहा है सही में, ऊपर से इस गेम के अंदर कमेंट्री भी है भाई सही में। वाटर पल्स, अरे भाई मैं गया काम से, मैं गया काम से, मेरे को लगा इतना सा वाटर पल्स होगा, अरे बच गया मैं, मेरे को लगा कि वाटर अटैक ज्यादा काम कर जाएगा। चलो ठीक है, अपन के पास ऐसा करते हैं ड्रैगन पल्स मारते हैं, ड्रैगन पल्स का काम खत्म हो सकता है भाई। ओके ओ भाई, ओ भाई क्या खतरनाक मूव था भाई, ऐसे ज्यादा डैमेज हुआ नहीं लेकिन फिर भी उस हिसाब से सही अटैक हो गया। और ये वाटर कितना इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरे को तो भाई पर्सनली बोलते हो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और हमारा गिबाइट जो है कंफ्यूज हो गया है, अब क्या होगा भाई। ओके और इस वक्त तुम एक चीज देख रहे हो, जब पोकेमोन जो है उनकी एचपी लो हो रही है, तो रियल में भी वो ना थके हुए नजर आ रहे हैं। तो अगला सैंटॉम यूज करता हूं मैं, देखते सैंटॉम। अरे भाई अटैक उसके ऐसे हो रहे भाई, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ओके कर पा रहा है तो ये बढ़िया, इसको सैंटॉम से भी इसको हर्ट होता रहेगा, क्योंकि ट्रैप हो चुका है सैंटॉम के अंदर ये, बहुत बढ़िया। अब तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टॉर्म अटैक, ओ क्या सही है भाई, दो तो डुअल स्क्रीन होगी। अरे भाई क्या लगता है ये मैच मैच को जीत पाऊंगा? वैसे मेरे को लगता है मैच तो जीत जाऊंगा मैं, पर मे बी गिबाइट ना हरा पाए इसे, कुछ कह नहीं सकते। चलो जो होगा देखा जाएगा, हम इसको आराम से हरा देंगे। ओके अब मैं मारता हूँ उसके एरियल एस, देखते हैं एरियल एस काम कर पाएगा इसके ऊपर। ओके तो ये बढ़िया बात है कि हमारा गिबाइट कंफ्यूजन से बाहर आ चुका है, तो अब बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग हिट। ओ भाई क्या मस्त हिट हुआ है भाई सही में। ओके स्क्रीच अटैक है, तो क्या लगता है मेरे को पोकेमोन चेंज करना चाहिए? वैसे तो ये नॉर्मल टाइप पोकेमोन है ना, तो इसके ऊपर उसके अटैक ज्यादा काम करेंगे फाइटिंग टाइप के, मेरे को ये पक्का यकीन है। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपना गार्चोम गिबाइट मैदान में आ गया है, तो फिर उसको ही यूज करते हैं। ओके फाइनल स्टेज में आ चुकी है हमारी बैटल, ये ड्रैगन पल्स।
तो मेरे को अभी भी लगता है कि ये पूरी हिट में जाएगा नहीं, अभी भी टाइम लग ही जाएगा इसको। ओके स्टॉर्म अभी इतना वो हुआ नहीं, तो फिर से डुअल स्क्रीन आ गई है भाई। ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, सही बताऊं तो ये काफी अच्छी चीज लगी। और गिबाइट हमारे हार चुका है, लेकिन फिर भी दिक्कत वाली ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि अपन के पास अब वो है पोकेमोन है एमोन फर्नो है, और उसके पास एक फाइटिंग टाइप अटैक आता है, तो मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होगी हमको। ठीक है हम यूज करने वाले हैं मोन फर्नो को भाई, पर एक चलो नहीं, वैसे एक बात सोचनी है कि लिकिटन के पास वाटर पल्स आता है ना, कहीं वो हमारे इन्फरनेप के लिए कहीं खतरा ना बन जाए, है ना? ये भी हो सकता है, खतरा बन सकता है। ओके मैक पंच, वैसे मॉनफर्नो हमारा थोड़ा डैमेज हो रखा है, मैंने देखा भी वो झुक गया था। ओके अरे भाई अरे मजे कतई झेर भाई, क्या मस्त अटैक था इसका। ओके कमेंट्री वाला भी क्या मस्त हो रहा है। ओके बहुत बढ़िया, हम लोग सही जा रहे हैं गाइस। इंप्रेसिव विक्ट्री भाई, कमेंट्री क्या मस्त कर रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने ज़ूटोपिया की आइलैंड की सबसे पहली विक्ट्री हासिल कर लिया, और बेचारा बंदा भूत धोके घर जा रहा है। ओ ये मजा आ गया, कट गई। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिटायर हो रहा हूँ मैं, ठीक है? और वो हमारा ऑटोमेटिकली क्विक सेव हो जाएगा आई गेस, जहाँ तक मेरे को लगता है हो जाना चाहिए ना उसको। देखते हैं क्या हो रहा है। यू मस्ट बी ट्राइड आफ्टर ऑल दैट बैटलिंग, यस वेल देन आई होप यू कंटिन्यू टू हैव अ ग्रेट टाइम हियर इज इन पोकेटोपिया। बिल्कुल श्योर। ओके तो गाइस आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। मैंने ये नया गेम लाया था, सोचा कि तुम लोगों को गेम नया दिखा दूं मैं कि कैसा गेम है ये। तो यहाँ पर गेम सेव करने का सीन कहाँ पे है भाई, गेम सेव भी तो होता होगा ना यहाँ पे, देखे जरा। हाँ ये पियरा मिल गया, सेव गेम, सेव बैटल पास, सेव। ओके तो ये सेव गेम करने का है। इन सेव गेम यू कैन प्रोसेस इन पोगेटोपिया, ठीक है? और दूसरा क्या है, दूसरा इन सेव बैटल पास यू कैन सेव योर बैटल पासेस टू वाई रिमोट। ओके ओके लोड बैटल का पता ही है कि हम लोड बैटल कर सकते हैं, वो तो मेरे को अभी पता ही है ऑलरेडी, ठीक है? इतनी भी मैं वो नहीं हूँ कि मेरे को पता ना होगा, ठीक है? तो हमने बैटल पास खिला था, तो हम बैटल पास सेव कर लेते हैं। हो गया ना हमारा रेंटल था, हमारा हमारे ये था ना सेलेक्ट पास, एंड हम करते हैं P1 में। ओके दिस इज डेटा अनदर गेम P1 विद रिमोट मेमोरी। ओके ओवरड्राइव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि तुम सबको एक छोटा सा गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं जरूर इसके और भी गेम प्लेस लाऊंगा, और फिलहाल तो हमें पोकेमॉन अपना ग्लेस कंप्लीट करना है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।